विपक्ष जयराम ठाकुर ने पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ के साथ मन साझा किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ नजर आए और उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्कू पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था परिवर्तन की फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे, प्रदेश में चुनाव के बाद व्यवस्था बदलने वाली है। क्यों ढूंढना चाह रहे हैं उन सारी चीजों को लेकर के? मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारा पोस्टर हो, हमारा फोटो पोस्टर में हो चाहे ना हो, वो कोई महत्व का विषय। हम चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं चारों सीटों में, और कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर हारेगी, मंडी में भी हारेगी, मेरा फोटो हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे मंडी की प्रत्याशी कंगना रनावत जीतेगी। और हाँ जी, मंडी आपकी रहेगी। मैं तो देखो, हम तो इस बात को लेकर के पहले ही कहे हुए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कांगड़ा लोकसभा सीट में एक ऐसे नेता को, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को, उनको इस तरह से ऐसे पल में जो है ला करके खड़ा कर दिया वो संकट में, और उस संकट में मुझे लग रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं कि उनको जलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये चुनाव लड़ा रहे हैं। और वहां मंडी में भी इसी तरह की परिस्थिति वो कर रहे हैं, सबको निपटाना चाह रहे हैं सुक्कू जी, और उसमें आने वाले समय में कौन निपटता है मालूम पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी पहले भी वही गिन रहे थे कि 40+3 43, यानी कि हमको यही बता रहे थे, यही समझा रहे थे उनके लोग और मुख्यमंत्री जी भी, कैसे होगा कैसे होगा। परिणाम आया वो 43 नहीं थे, वो 34 हो गए, और भारतीय जनता पार्टी 25 नहीं थे, वो 34 हो गए, और अल्टीमेटली इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो चुनाव हारे राज्यसभा का। और इसलिए आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति है उनको थोड़ा अपना आकलन करना चाहिए, मेरा हिसाब ठीक है या नहीं है, इस पे ज्यादा मत जाइए। मेरा हिसाब गड़बड़ ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब के गड़बड़ होने से सरकार गड़बड़ हो गई है आपकी। मेरा आप सब से, आप सब के माध्यम से यही है उनको कि ये आंकड़ों के जाल में जाओगे ना तो बहुत ज्यादा संकट में रहोगे आने वाले समय में। मुख्यमंत्री जी मुद्दों पर चुनाव लड़े अच्छा रहता, लेकिन अब फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूंगा, मैं ही उनके अंदाज में अगर मैं कहूं, हम हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने 5 साल तक पूरा दम के साथ हमने सरकार चलाई, बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की, आज भी उन योजनाओं को लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन 15-16 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में एक भी योजना जमीन पर अभी तक